सभी को नमस्कार। ज्ञानदूत 2.0 प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर क्लासेस के लिए विभिन्न विषयों के ऑफलाइन वीडियोस उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर नीतू भारतिया आज जिस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगी वो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में टॉपिक है और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी प्रीवियस में इसको पढ़ाया जाता है। तो इस इन रिएक्शंस को हम 3-4 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी में आज जो मेरा प्रथम व्याख्यान है वो है इंट्रोडक्शन टू पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के व्याख्यान की रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री प्रॉपर्टीज। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी सिमेट्री किस प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ पॉलीइन्स जो कॉमन है उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम देखेंगे और फिर हम उन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को समझाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ये ओलेफिनिक कंपाउंड्स के या पॉलीइन्स के वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक कॉन्सर्टेड प्रोसेस होता है या कंसर्टेड का मतलब क्या है? कंसर्टेड का मतलब है, आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट बनता है तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर एक साथ होता है, साइमल्टेनियस होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंसर्टेड। तो ये एक तरह का वन स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है इस साइकिल के या रिंग के अराउंड, इसीलिए इसको हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। पेरीसाइक्लिक में दो वर्ड से बना है, पेरी मीन्स दीज आर ग्रीक वर्ड्स, पेरी का मतलब है पेरीफेरी और साइक्लिक है काइक्लोस से बना है, ग्रीक वर्ड होता है काइक्लोस जिसका मतलब होता है साइक्लिक। तो इस पेरीफेरी के अराउंड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। और इसमें एक जो शिफ्ट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से एक साइक्लिक इस तरह की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो इस तरह से हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। दे आर कंसर्टेड रिएक्शंस, दे इन्वॉल्व साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन रिएक्शंस में कोई फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस कुछ नहीं बनता है, तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस मैकेनिज्म। और ये जो रिएक्शंस हैं बहुत ही सिंपल रिएक्शंस होते हैं, इसमें आपको कोई रिएजेंट्स याद नहीं रखने हैं, कोई कौन सा मैकेनिज्म किस तरह का इसमें होगा, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स याद नहीं रखने, इसलिए बहुत सिंपल हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी हैं। होते कैसे हैं ये रिएक्शंस? दे आर इंड्यूस्ड बाय हीट और लाइट, या तो थर्मली हम कर सकते हैं या फोटोकेमिकली इस रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं। ये रिएक्शंस बहुत ही हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत स्पेसिफाइड होती है, फिक्स्ड होती है। सॉल्वेंट और कैटलिस्ट से इन रिएक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, सॉल्वेंट है या नहीं है उससे रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर?
Types of pericyclic reactions. Pericyclic reactions are of four types: electrocyclic reactions, cycloaddition reactions, sigmatropic rearrangements, and group transfer reactions. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं? इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो रिंग जो रिएक्शन होगा उसमें या तो रिंग क्लोजिंग होती है या रिंग ओपनिंग होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो सकता है, मतलब रिंग की क्लोजिंग हो सकती है, या उसका रिवर्स जो है रिंग ओपनिंग, उसको भी हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसमें जब रिंग क्लोजिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग से होगा, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो इसमें दिस इज 135 हेक्साट्राइन, इसमें से एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है पाई बॉन्ड्स की। तो दिस पाई बॉन्ड गोज हेयर एंड दिस पाई बॉन्ड गोज हेयर एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट। तो एक नया सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ये बन जाता है और बाकी के जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है। ओपनिंग को हम देखें तो उसमें ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है और इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। तो रिंग क्लोजिंग में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और रिंग ओपनिंग में एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, इसके नाम से पता चल रहा है इसमें एडिशन होगा। तो इसमें आपके पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं और दोनों रिएक्टेंट्स पाई बॉन्ड्स वाले होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन, दिस इज इथीन। तो इसमें यहाँ से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं और इस पाई इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो टू रिएक्टेंट्स आर एडेड एंड अ साइक्लिक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इसलिए इसको साइक्लो एडिशन हम बोलते हैं। तो इसमें दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कम हो जाते हैं। सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, इसमें एक ग्रुप अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ माइग्रेट होता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन ऑफ द प्राई फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ इस एंड ऑफ पाई फ्रेमवर्क से इस एंड पे शिफ्ट हो जाता है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई बॉन्ड्स हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है। तो दिस एच गोज हेयर एंड दिस पाई बॉन्ड गोज हेयर एंड दिस पाई बॉन्ड। तो इन दोनों पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो गई और ये ग्रुप विद इट्स सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट्स टू दिस पोजीशन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द पाई सिस्टम, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड 1, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है इसमें, तो इट इज 1, 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। इसी तरह से इसमें हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं 3, 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, बिकॉज यहाँ से 1, 2, 3 तो 3, 3 शिफ्ट हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड, जिसमें कि एक ग्रुप सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करता है उसके साथ जब बाकी के जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम रहते हैं, बस उनकी शिफ्टिंग होती है और एक सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट हो जाता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। तो इस तरह का जो रिएक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। नाउ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं, इसमें भी जैसा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में होता है, एक एच जैसे है ये अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ यहाँ पे आ गया, लेकिन उसके साथ ही ये दोनों जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये एक साथ कंबाइन हो जाते हैं
तो इसमें एक कंपोनेंट इसको हम बोलते हैं इन और दूसरा होता है इनोफाइल। और माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ एच के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, एच का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो दोनों कंपोनेंट्स जो है वो एक साथ ऐड हो जाते हैं, और जो इन इसमें है वो ये सारे हो सकते हैं, एल्कीन, एल्काइन, एलिन, अरिन, कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड, और इनोफाइल्स में ये सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं। क्लियर है? इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में ये जो तीन पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्शन हम किस कंडीशन में करा रहे हैं, थर्मल करा रहे हैं या आप फोटोकेमिकल कंडीशन करा रहे हो। नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई सिस्टम है या 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर इंटर रिलेटेड। जितने 4 पाई सिस्टम है या 4 पाई प्लस 2 है, 4n सिस्टम है या 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, उसमें आप थर्मली रिएक्शन करा रहे हो तो डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप फोटोकेमिकली करा रहे हो तो उसको वो डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट बनेगा। तो दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियोज। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं आप सब जानते हैं, पी ऑर्बिटल्स की एल सी ए से लीनियर कॉम्बिनेशन या रेखीय संयोग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। यहाँ हम जो कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स में भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं। तो उन सब में आप जैसे सिंपलेस्ट हम देखें तो ब्यूटाइल डाइमीन में होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम पॉलीन्स, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं, सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो सारे तीनों sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो कार्बन की एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगी, और हमारे पास जो बचेगा वो हर एक कार्बन पे एक p एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज बच जाता है, जो सारी चारों के पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके उनका एल सी ए या लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए संयोग होता है, और उतनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, और उनमें से आधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग होती हैं और आधी एंटी बॉन्डिंग होती हैं। तो हाफ आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड हाफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, इनकी सिमेट्री प्रॉपर्टीज, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो दो तरह की सिमेट्री होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, मिरर प्लेन सिमेट्री और टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का C2 सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये मिरर प्लेन और C2 सिमेट्री क्या होती है। अब आपने इथाइलीन की एमओज आपने पढ़ी होंगी, इथाइलीन में एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक पाई स्टार होता है। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो होता है बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग वाले में दोनों जो पी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो सेम होते हैं, प्लस वाले के पास प्लस वाला होता है। तो इसमें अगर हम बीच में इस तरह का एक मिरर प्लेन रख दें तो वो इस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दो आइडेंटिकल हाफ्स में बांट देता है, इसलिए यहाँ पे जो सिमेट्री है उसको हम बोलते हैं इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है या पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें कौन सी सिमेट्री होती है, मिरर प्लेन सिमेट्री। क्लियर है? इसी तरह अगर हम पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें तो उसमें दोनों लोब्स डिफरेंट हैं, इधर प्लस वाला है तो इधर माइनस वाला लोब होगा, एक शेडेड है एक नॉन शेडेड है। ओके, अब इसके बीच में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री रखें तो ये दोनों हाफ्स आइडेंटिकल नहीं है, तो इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं होगा,
तो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में कैसा होगा? एंटी सिमेट्रिक। लेकिन इसमें एक और सिमेट्री होती है, सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो क्या होता है? अगर हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेंटर से पास करती हुई एक एक्सिस लें और उस एक्सिस के अराउंड इसको 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो क्या होगा? इससे आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? कैसे? जब आप 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इसका ये वाला लोब नीचे चला जाएगा और ये नीचे वाला लोब जो है वो यहाँ से रोटेट होके ऊपर आ जाएगा तो आपके पास ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बन जाता है। तो सी टू के रिस्पेक्ट में पाई स्टार विल बी सिमेट्रिक, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप सी टू इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ऊपर माइनस वाले लोब चल जाएंगे और नीचे प्लस वाले चले जाएंगे। तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सी टू। अब यहाँ हम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनती है? दो पी लोब्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो दोनों के जब प्लस वाले लोब्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसके बीच में अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेंगे तो ये दोनों हाफ्स आइडेंटिकल हैं इसलिए इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, लेकिन अगर आप इसको सी टू एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा? इसका ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा तो सेम आइडेंटिकल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सी टू। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिरर प्लेन भी सिमेट्रिक होता है, सी टू भी सिमेट्रिक होता है। लेकिन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सिग्मा की बात करें हम तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा में क्या होगा? इसका प्लस और दूसरे वाले का माइनस एक साथ होंगे। क्लियर है? तो इनके बीच में अगर हम मिरर प्लेन रखें तो आइडेंटिकल नहीं होगा और 180 डिग्री से हम रोटेट करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो आइडेंटिकल ऑर्बिटल आपके पास नहीं होगा। क्लियर है? तो सिग्मा स्टार इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एम एंड सी टू। क्लियर है? तो ये सिमेट्री हमको क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली हमको क्या ध्यान रखना है? अगर दोनों सिमिलर लोब्स एक साथ हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला ऐसे इस तरह से अलाइंड है तो उसमें सी टू सिमेट्री होगी। और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम और सी टू दोनों से के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा और सिग्मा स्टार मिरर प्लेन और सी टू दोनों के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? दिस सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम एक एक करके पॉलीन्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिस्कस करते हैं, कुछ कॉमन पॉलीन्स की। तो इसमें इथाइलीन इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। इट्स नॉट अ पॉलीन बट इट्स एन एल्कीन। यहाँ पे अगर इसमें जो दो कार्बन एटम्स हैं दोनों की पी ऑर्बिटल दो तरह से अलाइन हो सकते हैं, आउट ऑफ फेज एंड इन फेज। तो इसमें अब जब ये इन फेज होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास है, एंटी बॉन्डिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा लेकिन सी टू सिमेट्री होगी क्योंकि 180 डिग्री से जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा एंड ये यहाँ चला जाएगा। तो इसमें तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन और ये एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। और सी टू के रिस्पेक्ट में हम देखें तो सी टू में बॉन्डिंग वाला एंटी सिमेट्रिक होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला सिमेट्रिक होगा। अब इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होगी? तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम शाई वन और शाई टू बोलते हैं। शाई वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे और शाई टू विल बी एम्प्टी।
तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोड, जो भरी हुई ऑर्बिटल में इसमें जो हाईएस्ट एनर्जी की है उसको हम बोलते हैं एच ओ एम ओ होमो या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड शाई टू विल बी ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव मंथली ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स अब फोर हो गए, तो फोर पी ऑर्बिटल्स चार तरह से अरेंज हो सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वी हैव गॉट फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शाई वन शाई टू शाई थ्री शाई फोर, उसमें से हाफ जो है शाई वन शाई टू बॉन्डिंग होगी और शाई थ्री शाई फोर एंटी बॉन्डिंग होगी। अब इनका अरेंज हम किस तरह से करते हैं, जो लोएस्ट वाला होता है उसमें सारे सिमिलर लोब्स एक साथ हम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड शाई वन। तो शाई वन में कोई नोड नहीं होता, तो शाई एन में आपके पास एन माइनस वन नोड होते हैं। व्हाट इज नोड, नोड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। तो जहाँ पे इन लोब्स का साइन चेंज हो जाता है वहाँ हम कहते हैं कि एक नोड है। तो लोएस्ट वाले में सारे सारे एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से अलाइन होते हैं कि उनके सिमिलर वेव फंक्शन एक साथ होते हैं, सिमिलर लोब्स एक साथ होते हैं, तो इसमें कोई नोड नहीं होता। शाई टू में आपके पास एन माइनस वन, टू माइनस वन वन नोड होता है, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा। शाई थ्री में आपके पास दो नोड्स होंगे, दो जगह साइन चेंज होंगे। शाई फोर में तीन नोड्स होंगे। तो लोएस्ट में नो नोड, देन वी हैव गॉट वन नोड, नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज एज दी एनर्जी इंक्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो किस तरह से इनकी फिलिंग होगी, शाई वन में दो आएंगे शाई टू में दो आएंगे। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया आपका शाई टू और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड हो गया शाई थ्री। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर जब हम थर्मल रिएक्शन कराते हैं तो ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम यूज करते हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट जब फोटोकेमिकल रिएक्शन हम कराते हैं तो रिएक्शन की रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन शाई टू से शाई थ्री में चला जाता है, तो अब होमो शाई थ्री हो जाता है और शाई फोर ल्यूमो हो जाता है। तो ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आप थर्मल रिएक्शन करा रहे हैं या फोटोकेमिकल करा रहे हैं, तो थर्मल करा रहे हैं तो होमो कौन सी होगी, फोटोकेमिकल करा रहे हैं तो कौन सी होमो होगी, क्लियर है। और इनकी सिमेट्रीज, सिमेट्री में हमको ये ध्यान रखना है जो लोएस्ट वाला होगा उसमें मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। यहाँ मिरर प्लेन रखेंगे तो दोनों आइडेंटिकल हाल्स हैं, तो मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे तो इस दिस इज एंटी सिमेट्रिक, फिर ये वाला मिरर प्लेन सिमेट्रिक होगा, फिर एंटी। तो लोएस्ट वाला मिरर प्लेन सिमेट्रिक होगा, उसके बाद ऑल्टरनेट होता जाएगा, दिस विल बी एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। और C2 के रिस्पेक्ट में हम देखें तो सिमिलर लोब्स हैं, इसलिए C2 सिमेट्रिक नहीं होगा, C2 एंटी सिमेट्रिक होगा, उसके बाद सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक, क्लियर है। तो सिमेट्री इज ऑल्टरनेट, लोएस्ट वाला मिरर प्लेन सिमेट्रिक होता है, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक सिमेट्री सिमेट्रिक, और लोएस्ट वाला C2 के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक होगा और फिर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, क्लियर है। वन मोर पॉलीन वी विल बी डिस्कसिंग, 1,3,5 हेक्साट्राइन। यहाँ पे आपके पास सिक्स कार्बन एटम्स हो गए तो सिक्स पी ऑर्बिटल्स इस तरह से अलाइन होंगी, शाई एन में एन माइनस वन नोड होगा, तो लोएस्ट वाले में कोई नोड नहीं होगा, फिर वन नोड होगा, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे टू नोड्स हैं, फिर इसमें थ्री नोड्स हैं एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाते हैं और सिमेट्री आप देख सकते हैं, दिस लोएस्ट वाला मिरर प्लेन सिमेट्रिक, फिर एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, और लोएस्ट वाला C2 के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। जहाँ लोब्स सेंट्रल वाले लोब्स सिमिलर होंगे तो मिरर प्लेन सिमेट्री होगी, ऑपोजिट होंगे तो C2 सिमेट्री होगी।
फिलिंग हम इस तरह से करेंगे, शाई वन शाई टू शाई थ्री विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो इन तीनों में दो दो आ जाएंगे, तो ग्राउंड स्टेट में शाई थ्री होमो हो जाएगा, शाई फोर ल्यूमो हो जाएगा। अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे तो एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी, शाई थ्री से एक इलेक्ट्रॉन शाई फोर में चला जाएगा तो शाई फोर होमो हो जाएगा, शाई फाइव ल्यूमो हो जाएगा। तो ये तीनों जो अभी हमने एमओज डिस्कस करी हैं, इन तीनों को हमको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें होमो है, कौन सा ल्यूमो है, होमो ल्यूमो की सिमेट्री क्या है, ऑल दिस शुड बी क्लियर इन आवर माइंड, तो हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बहुत इजीली समझ सकते हैं। नाउ थ्योरीज ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, देयर आर बेसिकली थ्री थ्योरीज, फिकीज FMO अप्रोच, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, वुडवर्ड हॉफमैन को रिलेशन डायग्राम मेथड एंड PMO अप्रोच, ये देवार ने दिया था इसको हम, PMO मीन्स परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो सबसे पहले हम फिकीज FMO अप्रोच देखते हैं। FMO मीन्स फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी जैसा हमने पढ़ा था दो तरह की होती है, ये हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उसमें हाईएस्ट एनर्जी वाली होमो होती है और लोएस्ट वाली ल्यूमो होती है। अब इन दोनों को ही हम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि हाई जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट और की जो हो, एक रिएक्टेंट की होमो दूसरे रिएक्टेंट की ल्यूमो से इंटरैक्ट करेगी, क्योंकि होमो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो होमो के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो सबसे लूजली हेल्ड है और ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है, इसलिए वी कंसिडर दीज टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होमो एंड ल्यूमो। अब थर्मल कंडीशन में जो हम कंसिडर करेंगे वो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट वाली करेंगे, फोटो यह भी हमने पढ़ लिया था, फोटोकेमिकल में मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट वाली करेंगे, और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जो होमो और ल्यूमो होती है उनकी सिमेट्रीज ऑपोजिट होती है। व्हाट इज फिकीज एफएमओ अप्रोच, इट कंसीडर्स द इंटरैक्शन बिटवीन होमो ऑफ वन कंपोनेंट एंड ल्यूमो ऑफ अदर कंपोनेंट, क्लियर है। और होमो और ल्यूमो को ही हम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, दे आर वेरी क्लोज इन एनर्जी, क्लियर है। तो इसलिए ये क्या करती हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है इन दोनों के इंटरैक्शन से, उसकी एनर्जी जो है वो कैसी होगी, लोअर होगी, तो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगी। इसलिए फुके ने बोला कि जो इंटरैक्शन होता है एक रिएक्टेंट का होमो और एक के ल्यूमो के बीच में रिएक्शन होता है, और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए होमो और ल्यूमो जो होती हैं उनकी सिमेट्रीज ऑपोजिट होती हैं, ये हमको ध्यान रखना है। प्लस थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशंस में दोनों होमो और ल्यूमो जो होती है उनकी भी सिमेट्रीज ऑपोजिट होती है। अनदर थ्योरी इज वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम, ये बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री के प्रिंसिपल पे। इसका मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन तब होगा जब सिमेट्री ऑर्बिटल्स की कंजर्व्ड रहेगी, या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसर्टेड प्रोसेस तभी होगा जब ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बने जो स्टेबल हो, और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कंसर्टेड प्रोसेस में तभी बन सकती है जब रिएक्टेंट की वो ऑर्बिटल्स, रिएक्टेंट की जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री कंजर्व्ड रहे, जैसे वो प्रोडक्ट की ऑर्बिटल्स में चेंज होती हैं तो उनकी सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, कंजर्व्ड रहनी चाहिए। तो वुडवर्ड हॉफमैन ने एक मेथड बताया जिसमें एक कोरिलेशन डायग्राम बनता है और उसको कंस्ट्रक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन को, एक पर्टिकुलर रिएक्शन सिमेट्री अलाउड है या सिमेट्री फॉरबिडन है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन में जो एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कंजर्व्ड है वो हम पता करते हैं कि उसमें मिरर प्लेन सिमेट्री कंजर्व्ड रहेगी या सीटो सिमेट्री कंजर्व्ड रहेगी। उसके बाद हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की उन एमओज को पता करते हैं जिनमें चेंज हो रहा है या जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, फिर
उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री हम असाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने शुरू में आइडेंटिफाई किया था कि मेंटेन्ड है, उसके रिस्पेक्ट में इन एमओज की सिमेट्री कैसी है, सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, और फिर उनको कोरिलेट करके हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो ऑर्बिटल है उनकी सिमेट्री आइडेंटिकल है क्या, कंजर्व हो रही है क्या. अगर सिमेट्री कंजर्व्ड होती है तो सिमेट्री अलाउड प्रोसेस है, नहीं होती है तो इट इज़ अ सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस. तो इस कोरिलेशन डायग्राम को हम क्लियरली तब समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम को यूज करके हम किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन अलाउड होगा और कौन सा फॉरबिडन होगा. देन वी हैव द थर्ड अप्रोच, देवास पीएमओ अप्रोच. ये बेस्ड होती है कि जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक. तो अगर एरोमेटिक होगी तो थर्मल रिएक्शन अलाउड होगा, और एंटी एरोमेटिक होगी ट्रांजिशन स्टेट तो फोटोकेमिकल रिएक्शन अलाउड होगा. अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक किस तरह से हम देखेंगे, दो तरह के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, हकल और मोबियस. हकल सिस्टम वो होता है जो 4N+2, ये आपने पढ़ा है 4N+2 हकल सिस्टम होता है, वो एरोमेटिक होता है, और 4N वाला एंटी एरोमेटिक होता है. इसी तरह से एक और सिस्टम होता है मोबियस होता है, जिसमें एक नोड होगा, हकल में कोई नोड नहीं होगा, मोबियस में एक नोड होता है और 4N वाला इसमें एरोमेटिक होता है, 4N+2 एंटी एरोमेटिक होता है. तो इसमें आप जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में चेंज हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है, उनका जो एक साइक्लिक अरे को हम कंसिडर करते हैं और उनको वेव फंक्शन असाइन करते हैं जिससे कि उसमें ओवरलैपिंग हो, फिर हम देखते हैं उसमें कितने नोड्स बन रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं. अगर उसमें एक नोड बन रहा, कोई नोड नहीं बन रहा और 4N+2 इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम है तो वो एरोमेटिक होगा, तो उसमें थर्मल रिएक्शन अलाउड होगा. अगर ट्रांजिशन स्टेट में कोई नोड नहीं है और 4N पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा. तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर एरोमेटिक होगा तो वो थर्मल रिएक्शन अलाउड होगा, एंटी एरोमेटिक होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन अलाउड होगा. क्लियर है? तो इस तरह से आज के हमारे लेक्चर में हमने एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन देखा कि वो किस तरह के, उनकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और कितनी तरह के रिएक्शंस होते हैं, प्लस उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिएक्टेंट की, जो उनको पता होनी चाहिए. उसमें कौन सी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, होमो ल्यूमो, थर्मल कंडीशन में हम ग्राउंड स्टेट की ऑर्बिटल्स लेते हैं, फोटोकेमिकल में हम एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कंसिडर करते हैं, और फिर हमने कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 1,3-ब्यूटाडाइन की, इथीन और 1,3-5-हेक्साट्राइन की देखी, और इसके साथ ही हमने थीम थ्योरीज जो हैं उनको डिस्कस किया. बट इन थ्योरीज को आप और इजीली तब समझेंगे जब हम एक एक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे. तो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, तो उसमें हम इन तीनों थ्योरीज से समझाएंगे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिमेट्री अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा रिएक्शन 4N वाला या 4N+2 पाई सिस्टम, और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो. So thank you so much.